नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट ग्रिड सबस्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन में जानते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन के एस्टीमेशन के बारे में और समझते हैं एक डबल पोल एच स्ट्रक्चर पे 100 KVA के ट्रांसफॉर्मर के साथ पोल माउंटेड सबस्टेशन पे क्या मटीरियल अरेंजमेंट्स चाहिए, उनके डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी की डिटेल्स को जानते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक PPT के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन का एस्टीमेशन। चित्र में दिखाए गए 8 या 9 मीटर के दो पोल पे माइल स्टील की सी चैनल के फैब्रिकेशन से जो एच फॉर्मेशन बनती है उस पे ट्रांसफॉर्मर और दूसरे स्विच गियर के अरेंजमेंट्स को हम पोल माउंटेड सबस्टेशंस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 11 KV सप्लाई को कंट्रोल और प्रोटेक्शन के स्विच गियर के बाद ट्रांसफॉर्मर की हाई टेंशन बुशिंग्स पे देने पर एक स्टेप डाउन एक्शन से एक 4 वायर 400 वोल्ट का LT डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज केबल के द्वारा LT पैनल्स पर ले आया जाता है। इस तरह के पोल माउंटेड सबस्टेशन से HT और LT के बीच में एक तरह का फोल्स और कंट्रोल के लिए आइसोलेशन बनाया जा सकता है और इस तरह के पोल माउंटेड सबस्टेशन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग का काम करते हैं। सिंगल या डबल पोल पे बनाए गए इस तरह के पोल माउंटेड सबस्टेशन सबसे सस्ते, बहुत सरल और बहुत छोटे आकार के सबस्टेशन बन जाते हैं। सबसे छोटी पावर रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, चाहे सिंगल फेज के हों या 3 फेज के 10 KVA, 16 KVA या 25 KVA के, उन्हें सिंगल पोल स्ट्रक्चर पे माउंट करके एसोसिएट प्रोटेक्शन और कंट्रोल का स्विच गियर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मीडियम साइज के 6300 या 125 KVA के ट्रांसफॉर्मर को हम डबल पोल के स्ट्रक्चर पे एच सेक्शन बनाकर माउंट कर सकते हैं। उससे बड़े जो 160, 200, 250 या 315 KVA रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है उन्हें हम 4 पोल स्ट्रक्चर पे इस्तेमाल करते हैं। वहीं 500 KVA और बड़े साइज के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को प्लिंथ या फाउंडेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आज हम एक डबल पोल स्ट्रक्चर को एच सेक्शंस की स्ट्रेंथनिंग देते हुए एक 100 KVA के ट्रांसफॉर्मर को एसोसिएट प्रोटेक्शन और कंट्रोल के स्विच गियर के साथ जो पोल माउंटेड सबस्टेशन बनेगा उसमें सभी मटीरियल कंपोनेंट्स के स्पेसिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी के एस्टिमेशन को समझेंगे। एक पोल माउंटेड सबस्टेशन में जो 11 KVA की हमारी इनकमिंग लाइन है उसे एक एंड टर्मिनल पे, जहां पोल माउंटेड सबस्टेशन दो पोल के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है, स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर पे टर्मिनेट करेंगे और लाइन के पैरेलल में लाइन और ग्राउंड के बीच में तीनों लाइन में 3 लाइटनिंग अरेस्टर लगाए होंगे और लाइन के सीरीज में एक ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड एयर ब्रेक टाइप गैंग स्विच लगाया हुआ होगा जो HT सप्लाई को सबस्टेशन से आइसोलेट करने का काम और कंट्रोल का काम करेगा। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए एक हॉर्न गैप टाइप फ्यूज का इस्तेमाल लाइन में सीरीज में करेंगे और वहां से HT सप्लाई ट्रांसफॉर्मर की हाई टेंशन बुशिंग्स पे चली जाएगी, जहां एक 3 फेज डेल्टा कनेक्ट वाइंडिंग मैग्नेटिक कपलिंग से एक दूसरी 3 फेज स्टार कनेक्ट वाइंडिंग में 3 फेज 4 वायर LT सप्लाई पैदा कर देगी, जिसे एक LT पैनल में CT के साथ लगे हुए एनर्जी मीटर और स्विच और फ्यूज यूनिट और मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर के प्रोटेक्शन और कंट्रोल से LT डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया जाएगा। दो पोल की स्ट्रक्चर में माइल स्टील की सी चैनल की मदद से हम एक एच कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं और इस एच स्ट्रक्चर पे ग्राउंड से 8 फिट की क्लियरेंस के साथ 2440 mm की हाइट पे हम ट्रांसफॉर्मर की माउंटिंग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर HT के कंट्रोल प्रोटेक्शन, LT के कंट्रोल प्रोटेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो सारा सेटअप है वो जमीन पे 2 मीटर बाई 3 मीटर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हम इस सारे इलाके में फेंसिंग और डोर लॉकिंग से अनऑथराइज्ड पर्संस की एंट्री को रोक सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम डेंजर बोर्ड और एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस भी अरेंज कर सकते हैं। पोल माउंटेड सबस्टेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम 2 रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट की 9 मीटर हाइट के 2 पोल सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम स्टील रेल जॉइस्ट या ट्यूबुलर पोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इन पोल सपोर्ट की ग्राउटिंग के लिए 8 फिट की
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के साथ पोल की कुल हाइट 9 मीटर की 1/6 पार्ट 1.5 मीटर होगी। हम ग्राउंड में 2 फुट बाई 2 फुट के क्रॉस सेक्शन में 1.5 मीटर गहरा गड्ढा बनाएंगे, ग्राउंड पिट बनाएंगे और नीचे एक रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बेस फाउंडेशन 100 mm की बनाकर पोल को इरेक्ट करके पोल के चारों तरफ 1:4 रेशो में सीमेंट कंक्रीटिंग कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर की माउंटिंग के लिए पोल के ऊपर हम 100 mm बाई 30 mm साइज की सी चैनल लगभग 1 मीटर लंबी दोनों पोल पे यहाँ लगा देंगे और इन सी चैनल के ऊपर क्रॉस में 2.8 मीटर लेंथ पे 2 सी चैनल उसी 100 mm बाई 50 mm 8 mm थिकनेस की चैनल से हम एक एच सेक्शंस बना लेंगे और इस एच सेक्शन पे हम ट्रांसफॉर्मर की फाउंडेशन फुटिंग्स की जो लेग्स है उन्हें प्लेस कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर के टैंक में लगे हुए फुट सेक्शंस में जो होल्स बने हैं उनकी मैचिंग सी चैनल पे बने हुए होल से करके इन्हें फास्टनर से फिक्स कर सकते हैं। एडिशनल ब्रेसिंग सपोर्ट के लिए हम दोनों पोल पे 35 mm बाई 35 mm 5 mm थिकनेस के 2 एंगल 1800 mm लेंथ के दोनों पोल पे लगाएंगे और उनके ऊपर 2800 mm की यही 35 बाई 35 की एंगल सेक्शन 5 mm मोटाई की 2800 mm लेंथ की से ट्रांसफॉर्मर की हम ब्रेसिंग कर देंगे। जो लाइटनिंग अरेस्टर है उसे एक 75 mm बाई 40 mm के सी चैनल पे जो 2800 mm लेंथ का है उस पर माउंट करेंगे और इस माउंटिंग के लिए पोल से कंडक्टर की क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए एक एंगल आयरन की सपोर्ट यहां पोल पे हम परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे और ये एंगल आयरन 6 mm थिकनेस का 50 mm बाई 50 mm साइज का लगभग 1 मीटर लंबा होगा और इसके ऊपर सी चैनल पे हम 3 लाइटनिंग अरेस्टर को फिक्स कर देंगे। जो एयर ब्रेक गैंग ऑपरेटेड स्विच है इसकी माउंटिंग पोल स्ट्रक्चर के ऊपर हम 2 8 mm मोटाई की 75 बाई 40 mm डायमेंशन की सी चैनल जो 2800 mm लंबी है उन दो चैनल पे यहाँ दिखाई हुई है हम एयर ब्रेक गैंग ऑपरेटेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। जो हॉर्न गैप टाइप फ्यूज की पोजीशनिंग है उसको भी 2 सी चैनल वही 75 mm बाई 40 mm डायमेंशन और 2.8 मीटर लेंथ की ये जो 2 सी चैनल है जिन्हें हम दोनों पोल पे ये जो अक्रॉस 1.8 मीटर की 2 एंगल्स लगी हुई हैं 50 बाई 50 mm साइज की 6 mm मोटाई की उन पर यहां दिखाई हुई है सी चैनल को प्लेस करके उस पे हॉर्न गैप फ्यूज असेंबली को प्लेस करेंगे। क्योंकि फ्यूज असेंबली पोल से काफी आगे एक्सटेंडेड है तो इस एंगल को ब्रेसिंग सपोर्ट देने के लिए 2 छोटी साइज के एंगल्स एक 800 mm लेंथ का 35 बाई 35 × 5 mm थिकनेस का दोनों पोल पे दोनों तरफ ये यहां दिखाए हुए हैं और इनके साथ ये जो क्रॉस ब्रेसिंग है वो इसी 5 mm थिकनेस और 35 बाई 35 के एंगल में 1.8 मीटर की हम दोनों पोल सेक्शंस पे करके इस स्ट्रक्चर को ब्रेसिंग सपोर्ट दे देंगे। एक पोल माउंटेड सबस्टेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर और दूसरे कंट्रोल और प्रोटेक्शन कंपोनेंट को किस तरह से एच स्ट्रक्चर पे सपोर्ट दिए जाते हैं उसे तेजी से दोहरा लेते हैं। दोनों पोल की फाउंडेशन के लिए सीमेंट कंक्रीट की बेस प्लेट के ऊपर पोल की 1/6 पार्ट 1.5 मीटर को अंडरग्राउंड करके 1:4 रेशो के साथ सीमेंट कंक्रीटिंग कर दी जाएगी। ग्राउंड से 8 फुट हाइट पे 200 mm बाई 50 mm डायमेंशन की जो सी चैनल है लगभग 1 मीटर लंबी जैसा कि यहाँ फ्रंट एलिवेशन और साइड व्यू में हम देख रहे हैं और पीडी हाईलाइट में दिखा रहे हैं उन्हें दोनों पोल पे लगा के इनके ऊपर दो उसी डायमेंशन की 100 mm बाई 50 mm की सी चैनल को 2.8 मीटर लेंथ पे दोनों तरफ लगा के एच स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इस एच स्ट्रक्चर पे ट्रांसफॉर्मर की प्लेसिंग करेंगे और 35 बाई 35 के एल सेक्शन जिसकी की मोटाई 5 mm है उसकी चारों तरफ से ब्रेसिंग एंगल आयरन से कर सकते हैं जिसमें साइड की जो एंगल्स हैं वो 1-1 मीटर लंबी हो सकती हैं जिनके ऊपर अक्रॉस एंगल्स 2.8 मीटर की हम सुटेबल नट बोल्ट अरेंजमेंट से क्लैंप कर देंगे। लाइटनिंग अरेस्टर के लिए एक एंगल आयरन सपोर्ट के ऊपर
सी क्लैंप को लगा के तीनों फेज के तीन लाइटनिंग अरेस्टर को, जैसा कि फ्रंट एलिवेशन या साइड व्यू में हम देख रहे हैं, प्लेस कर देंगे। सी चैनल की डायमेंशन अब 6 mm मोटाई और 75x40 mm डायमेंशन है। इसी तरह की दो क्लैंप्स का इस्तेमाल हम एयर ब्रेक स्विच के लिए ऊपर करेंगे और स्विच को स्विच के बेस पे लगी हुई सी चैनल के सपोर्ट के लिए दोनों पोल पे दो एंगल आयरन सपोर्ट्स लगभग 800 mm लेंथ के हम लगा देंगे। हॉर्न गैप फ्यूज की असेंबली के लिए दो सी चैनल सपोर्ट पूरी लेंथ 2.8 मीटर पे हम लगाएंगे और इन्हें एक एंगल सपोर्ट पे जो लगभग 1.8 मीटर लेंथ रखता है एक्सटेंड करके आगे की तरफ लगाएंगे ताकि पोल और एचटी लाइंस के बीच में रिक्वायर्ड क्लियरेंस हमें प्राप्त हो जाए और जंपर्स की पोजीशनिंग आसान हो जाए। इस एंगल सपोर्ट को ब्रेसिंग करने के लिए दो छोटी डायमेंशन के एंगल, एक 800 mm लेंथ और एक 1800 mm लेंथ को हमने सपोर्ट स्ट्रक्चर पे दोनों पोल पे दो दो इस्तेमाल किए। इस तरह से ये सारा मटेरियल एस्टीमेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के साथ क्वांटिटी में हम बना सकते हैं। एच पोल स्ट्रक्चर और सारे दूसरे सपोर्ट पोजीशंस के बाद अब जानते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन पे एक्टिव कंपोनेंट और दूसरे ऑक्सिलरी कंट्रोल और प्रोटेक्शन के कंपोनेंट्स क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करना है जो 100 kVA का यहाँ सी चैनल के सेक्शन के ऊपर ग्राउंड से 8 feet पे प्लेस किया जाएगा। इनकमिंग 3-phase लाइन इस टर्मिनल स्टेशन पे 3 disc इंसुलेटर पे एंड करेगी तो हमें 3 disc टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर 11 kV कैपेसिटी के लगाने होंगे। कंट्रोल और आइसोलेशन के लिए हम एयर ब्रेक गैंग ऑपरेटेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है। हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल टाइप ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड गैंग स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम इस ऑपरेटिंग रोड की मदद से यहाँ लगाए हुए हैंडल से ऑपरेट करेंगे। तो ये पूरा अरेंजमेंट एक सेट हमें तीनों फेज के लिए चाहिएगा। ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ टिपिकल हॉर्न गैप शेप के 3 अलग-अलग फेज में सीरीज में फ्यूज यूनिट्स लगाएंगे। उसका एक पूरा सेट फाउंडेशन सपोर्ट के साथ हम यहाँ सी चैनल्स पे जिन्हें हमने एंगल आयरन के ब्रेसिंग से थोड़ा एक्सटेंड करके आगे करके लगाया हुआ है जैसा हमने साइड व्यू के डायग्राम में भी देखा था। एक सेट चाहिएगा हमें फ्यूज यूनिट का। यहाँ ऊपर हमें तीनों लाइन में लाइटनिंग और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर हर फेज में एक 3 चाहिएंगे। एलटी के मीटरिंग कंट्रोल और प्रोटेक्शन के लिए हम एक एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इस्तेमाल करेंगे जिसमें अंदर ही करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी के साथ एनर्जी मीटर होगा जो मल्टी फंक्शनल वैल्यूज रीड करेगा। स्विचिंग और प्रोटेक्शन के लिए मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से जो लो टेंशन आउटपुट आएगा उसे एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जोड़ने के लिए हमें 3.5 core की अलग अलग ट्रांसफॉर्मर के लिए 35 square mm से 195 square mm की एल्युमिनियम PVC इंसुलेटेड केबल्स की जरूरत हो सकती है। ट्रांसफॉर्मर के टैंक दूसरे कंपोनेंट के नॉन करंट कैरिंग मेटलिक सपोर्ट्स की अर्थिंग करनी होगी। ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल भी अर्थ होगा और एक तीसरे अर्थ पॉइंट से हम लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग करेंगे। तो हमें 3 rod या पाइप टाइप अर्थिंग के सेट्स बनाने होंगे क्योंकि लाइन टर्मिनेट हुई है। एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस पोल स्ट्रक्चर पे उसे बैलेंस करने के लिए हम ये 2 stay अरेंजमेंट्स भी मिनिमम इस्तेमाल करेंगे। पोल माउंटेड सबस्टेशन का जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर, जो टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कंडीशंस हैं मॉडरेट हॉट और ह्यूमिड, उन एप्लीकेशंस में आउटडोर सर्विसेज के लिए सुटेबल होना चाहिए और जहां रस्ट और फंगस की ग्रोथ हो सकती है वहां भी ये सेफ और लॉन्ग लाइफ मेंटेन करे, इस तरह का इनक्लोजर और एक्सेसरीज का हम इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफॉर्मर अपनी फुल लोड रेटिंग कैपेसिटी को कंटिन्यूअसली सप्लाई करने के लिए कैपेबल होने चाहिए और जब वो फुल लोड पे लगातार कंटिन्यूअस काम कर रहा है तो भी उसका टेम्परेचर राइज सेफ लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। आज हम जिस पोल माउंटेड सबस्टेशंस को डिजाइन कर रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी 100 kVA है जो रेटेड 11 kV के सप्लाई पे सिस्टम में 10% तक अगर वेरिएशन भी हो तो 12 kV तक की पीक वोल्टेज को सहन कर सकता हो। इसकी एलटी साइड की रेटेड वोल्टेज लाइन टू लाइन 433 वोल्ट है और लाइन टू न्यूट्रल ये 250 वोल्ट होगी। हम अपरेंट पावर में √3 लाइन वोल्टेज का डिविजन करके लाइन करंट निकाल सकते हैं जो हाई वोल्टेज लाइन के लिए 5.25 एम्पियर है
और लो वोल्टेज के लिए 133.33 एम्पियर हो गया है। अगर हमारे ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग बदलती है तो ये करंट रेटिंग में वेरिएशंस आ जाएंगे और करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपरेंट पावर में √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज जो रेटेड है उसका डिवीजन करना होगा। ये 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए है। प्राइमरी साइड में ये जो बुशिंग्स अंदर वाइंडिंग को कनेक्ट करेगी उस वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा है और LT साइड यहाँ दूसरी तरफ 4 बुशिंग्स दी हुई है जो हमें 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन के साथ आउटपुट देगा। इसका वेक्टर डायग्राम HT में डेल्टा, LT में स्मॉल y स्टार बता रहा है, एक 1-1 ग्रुप का है जिसमें LT का जो हमारा सेकेंडरी आउटपुट है वो HT की फेज वोल्टेज से पॉजिटिव 30 डिग्री लीड कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन के प्रॉब्लम ज्यादा ना रहे इसलिए हम इनमें परसेंटेज इम्पीडेंस कम रखते हैं डिजाइन के दौरान, तो 75 डिग्री पे इस डिजाइन का परसेंटेज रिएक्टेंस 4.5% होना चाहिए। हमारा ये ट्रांसफार्मर ऑयल में इमर्स्ड है और बाहर एयर के नेचुरल सर्कुलेशन से इसमें कूलिंग हो रही है, तो ये कूलिंग को हम ONAN कूलिंग कहेंगे। कूलिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टैंक के सरफेस पे रेडिएटर और फिन्स लगा दी जाती है ताकि हमारा हीट डिसिपेशन का सरफेस एरिया इंप्रूव होकर अंदर के लॉसेस का डिसिपेशन बेहतर तरीके से हो सके और टेम्परेचर राइज को कंट्रोल किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अगर वो बहुत ज्यादा पावर रेटिंग का है 500 KVA तो प्लिंथ पर लगाएंगे, अन्यथा 2 या 4 पोल या सिंगल पोल के स्ट्रक्चर पे अगर रखेंगे तो इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट मिनिमम 8 फिट 2440 mm रखनी है। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की HV और LV साइड में जो बुशिंग्स हैं वहां पर जो कनेक्शंस हैं वो बाईमेटलिक कनेक्टर होने चाहिए ताकि हम बाहर चाहे एल्युमिनियम के कनेक्शन करें चाहे कॉपर की केबल्स के कनेक्शन करें हमारी कनेक्शंस की लाइफ अच्छी रहे। जो हमारे टर्मिनल कनेक्शन ट्रांसफार्मर की माउंटिंग में बाहर निकलते हैं उनकी HT साइड में लाइन टू लाइन क्लियरेंस 255 mm और लाइन टू न्यूट्रल या अर्थ क्लियरेंस 140 mm रहनी चाहिए। वहीं LV साइड में लाइन टू लाइन क्लियरेंस हमें केवल 75 mm मेंटेन करनी है और लाइन और अर्थ के बीच में ये क्लियरेंस 40 mm मिनिमम रहनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की HV और LV के जो टर्मिनल्स हैं HV के टर्मिनल्स पे हम 1 तीनों फेज के UVW नोटेशन यूज करते हैं, वहीं LV में हम 2 सेकेंड टर्मिनल और तीनों फेज के UVW लगाएंगे और एक हमारा टर्मिनल 4 वायर सप्लाई है, न्यूट्रल का भी होगा LT में, तो LT के टर्मिनल को हम 2 से और HV के टर्मिनल को हम 1 से इंडिकेट करेंगे और ट्रांसफार्मर के ऊपर एक नेम प्लेट में एक डायग्राम बनाया हुआ होगा जिनमें इन टर्मिनल्स की फिजिकल लोकेशंस ट्रांसफार्मर के बॉडी में किस तरह की है उसे बिल्कुल सही तरीके से इंडिकेट किया हुआ होगा। पोल माउंटेड सबस्टेशन की डबल पोल स्ट्रक्चर पे दोनों पोल पे हम 50 mm by 50 mm 5 mm थिकनेस की ये जो L सेक्शन है लगभग 80 mm लंबी दोनों पोल पे लगा के इसके ऊपर एक C चैनल 75 mm by 50 mm डायमेंशन और 6 mm मोटाई की पूरी 2800 mm लेंथ पे लगा देंगे और इस सी चैनल के स्ट्रक्चर के ऊपर हम 11 KV का 200 एम्पियर का ट्रिपल पोल गैंग ऑपरेटेड आउटडोर टाइप का जो सिंगल थ्रू स्विच है, यहाँ हम डबल ब्रेक स्विच का अरेंजमेंट कर रहे हैं। आजकल कॉमर्शियली सिंगल ब्रेक एयर ब्रेक स्विचेज का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। जो ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड गैंग एयर ब्रेक स्विच है उसका ये MS चैनल है तीनों पोल असेंबलीज के लिए। यहाँ कनेक्टिंग पाइप गाइड और लिंक वर्क एक वर्टिकल ऑपरेटिंग रोड और ऑपरेटिंग हैंडल से कनेक्टेड है। हम कॉन्टेक्ट्स को पोस्ट इंसुलेटर पे माउंट करते हैं और यहाँ ब्रास के फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टेक्ट्स हैं। कॉन्टेक्ट के साथ आर्किंग होम्स और हैंडल की ऑन क्लोज्ड और ऑफ ओपन पोजीशंस के लिए लॉकिंग अरेंजमेंट्स हैं। हमारे ट्रिपल पोल एयर ब्रेक स्विच हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल माउंटिंग दिखाई हुई है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की माउंटिंग के लिए सुटेबल होते हैं और इस तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं कि एक स्मूथ मजबूत ट्रबल फ्री ऑपरेशन लंबे जीवन काल के लिए हमें दे सके। और ये कनेक्टिंग लिंक्स हैं वो इस तरह से डिजाइन की हुई हैं कि तीनों पोल के कनेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली ओपन या क्लोज एक ही हैंडल के ऑपरेशन से होंगे। ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड
एयर ब्रेक गैंग स्विच का ये जो हॉरिजॉन्टल माउंटिंग का जो बेस है वो एक रोबोस्ट रोल्ड माइल स्टील चैनल है जिसकी ये डायमेंशन 75 mm, ये डायमेंशन 40 mm है और थिकनेस 6 mm है। इन रोटेटिंग पार्ट्स में हाउसिंग के साथ बियरिंग का सपोर्ट है जो कम एफर्ट्स के साथ स्मूथ लॉन्ग लाइफ ऑपरेशंस देगा। जो कॉन्टैक्ट ब्लेड है और फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट्स पोजीशंस हैं वो कॉपर एलॉय गन मेटल की बनी हुई हैं और इनके ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है ताकि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम हो, टेम्परेचर राइज की प्रॉब्लम्स ना हो। हम इस टू ब्रेक स्विच को 3 पोर्सलिन के ब्राउन ग्लेज्ड पिन इंसुलेटर के ऊपर प्लेस करते हैं। ये जो कनेक्शन हम एचटी लाइन के लिए करेंगे वो बाइमेटलिक पैरेलल ग्रुप क्लैंप्स हैं। स्विच के साथ हमने यहाँ आर्किंग होर्न्स का भी अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि ब्रेकिंग के समय ट्रांसफॉर्मर का जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट है उसकी स्पार्किंग आसानी से क्विंच की जा सके। ऐसे एयर ब्रेक स्विच कंटिन्यूअसली बिना गर्म हुए 200 एम्पियर और ज्यादा करंट रेटिंग में 400 एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकते हैं और किसी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के दौरान 3 सेकंड तक ये 6.6 किलो एम्पियर करंट भी कैरी कर सकते हैं। तीनों पोल की मूविंग कॉन्टेक्ट की असेंबली को जोड़ने वाला ये टेंडम फेज कपलर पाइप या स्पिंडल रोड है वो 32 mm डायामीटर और 1905 mm लेंथ की है। जो वर्टिकल ऑपरेटिंग रोड है मैकेनिकली इसके साथ लिंक्ड, इसकी इनर डायमीटर 25 mm और आउटर डायमीटर वही 32 mm है और इसकी लेंथ वर्टिकली 5.5 meter है और हम ग्राउंड से लगभग 1 meter हाइट पे इस वर्टिकल रोड के साथ ऑपरेटिंग हैंडल कनेक्ट करते हैं और इस हैंडल के मूवमेंट के साथ जब कॉन्टैक्ट क्लोज या ओपन होंगे तो लॉकिंग अरेंजमेंट्स भी हैं। हम गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्विच का ये ऑपरेटिंग हैंडल और नॉन कंडक्टिव जो मेटलिक बेस सपोर्ट्स हैं इन सब की इफेक्टिव अर्थिंग सेफ्टी के लिए करते हैं। पोल माउंटेड सबस्टेशन पे हम शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हॉर्न गैप टाइप फ्यूज असेंबली है, उसे 2.5 mm बाई 40 mm डायमेंशंस की और 6 mm मोटाई की सी चैनल्स जो 2800 mm लंबी हैं उन पर हॉर्न गैप असेंबली को माउंट करते हैं और ये सी चैनल को माउंट करने के लिए हम 1.8 meter लंबी 50 mm बाई 50 mm और 5 mm मोटाई की एंगल्स का इस्तेमाल दोनों पोल पे करते हैं और इस एंगल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए 35 mm बाई 35 mm की 800 और 1800 लेंथ की एंगल सपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जैसा कि यहाँ साइड व्यू में या इस कंस्ट्रक्शन डायग्राम में हम समझ सकते हैं। एचटी लाइन की सीरीज में ये जो 200 mm चौड़ाई में हॉर्न गैप के साथ फ्यूज की जो हमारी असेंबली है उसका इंसुलेटर एक सॉलिड कोर टाइप ब्राउन ग्लेजिंग का 11 kV का पोर्सलिन पिन इंसुलेटर है। इन पिन इंसुलेटर को हम माइल स्टील के चैनल जिसकी डायमेंशन 75 mm बाई 40 mm है और मोटाई 6 mm है उस पर फिक्स कर देते हैं। जो हॉर्न गैप टाइप फ्यूज यूनिट है उसे यहाँ हम हॉरिजॉन्टल माउंटिंग के साथ दिखा रहे हैं, इसे वर्टिकली भी माउंट किया जा सकता है। फ्यूज यूनिट में हम 8 mm डायमीटर के दो GI हॉर्न गैप का इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूज के ब्लो के दौरान आर्क को क्विंच करने का काम करेंगे। पोल स्ट्रक्चर के टॉप पे एक 50 mm बाई 50 mm की एंगल 6 mm मोटाई की लगभग 1 meter लंबी पे हम एक सी चैनल 75 बाई 40 mm डायमेंशन और 6 mm मोटाई का पूरा 2800 mm लेंथ का इस्तेमाल करेंगे और उस पे 3 अलग अलग लाइनों के लाइटनिंग अरेस्टर को प्लेस कर देंगे। जो लाइटनिंग अरेस्टर है उसका एक एंड लाइन से और दूसरा ग्राउंडिंग या अर्थिंग से किया हुआ होता है। ये एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की भांति व्यवहार करता है। नॉर्मल लाइन वोल्टेज पे हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इसके थ्रू लीकेज करंट का फ्लो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर कोई लाइटनिंग या ओवर वोल्टेज का ट्रांजिएंट ट्रेवल करता हुआ हमारे पोल माउंटेड सबस्टेशन के स्ट्रक्चर पर आएगा तो इस नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कम होने से लाइटनिंग ओवर वोल्टेज सर्ज की एनर्जी ग्राउंड में लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी। हम जो लाइटनिंग अरेस्टर 11 kV पोल माउंटेड सबस्टेशंस पर इस्तेमाल करते हैं उनकी मैक्सिमम कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज फेज टू ग्राउंड
7.5 किलो वोल्ट होती है। ध्यान रहे लाइन वोल्टेज इससे रूट थ्री टाइम्स ज्यादा होगी। ये जो हमारा स्टैंडर्ड इम्पल्स वेव है 8 माइक्रोसेकंड के राइज और 20 माइक्रोसेकंड के फॉल टाइम की, उसके 5 किलो एम्पियर करंट को भी डिस्चार्ज कर सकता है। जब हम लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग करते हैं तो एक सेपरेट अर्थ इलेक्ट्रोड लाइटनिंग अरेस्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी अर्थिंग को किसी भी दूसरे ग्राउंड स्ट्रक्चर या ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल के साथ लूप इन नहीं करते हैं। ट्रांसफॉर्मर की स्टेप डाउन एक्शन से लाइन टू लाइन 415 वोल्ट की LT सप्लाई यहाँ 4 वायर 3 लाइन के और 1 न्यूट्रल के कनेक्शन के तौर पे बुशिंग से अवेलेबल हो जाती है और हम इन बुशिंग से एक 3.5 कोर PVC इंसुलेटेड 1.1 kV वोल्टेज रेटिंग की अल्मोनियम केबल का कनेक्शन करते हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अल्मोनियम केबल का वो हमारी ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। हमारे 100 kVA ट्रांसफॉर्मर की LT साइड का करंट 133.33 एम्पियर है, तो ऐसे करंट के लिए हम 95 square mm या 120 square mm की एल्युमिनियम केबल 3.5 कोर तीनों लाइन के लिए पूरा कंडक्टर साइज और जो न्यूट्रल है उसका कंडक्टर साइज, अगर लाइन 120 square mm की है तो न्यूट्रल का साइज 60 square mm होगा और इस केबल से कनेक्शंस कर देंगे हम LT मीटरिंग पैनल का, जहां करंट ट्रांसफॉर्मर CT के साथ रिड्यूस करंट को हम एक मल्टीफंक्शन एनर्जी मीटर में देंगे जो वोल्टेज लाइन करंट्स रियल रिएक्टिव अपरेंट पावर की कंटिन्यूअस रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और इसी LT पैनल में हम कंट्रोल और प्रोटेक्शन के लिए स्विच फ्यूज यूनिट या मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मीटरिंग पैनल से हमारा आउटपुट LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाकर जो हमारी लोकेशन पे LT लोड्स हैं सिंगल फेज लोड लाइन और न्यूट्रल के बीच में और 3 फेज लोड तीनों लाइनों के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। पोल माउंटेड सबस्टेशन का जो पोल स्ट्रक्चर है वो एक टर्मिनल डेड एंड पोजीशंस पर आ गया था, तो एक तरफा लाइन का जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज है वो यहाँ स्ट्रेसेस बनाएगा, उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें 2 गाई सपोर्ट्स की जरूरत होगी। लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हमें स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर इस्तेमाल करने होंगे और हम 11 kV कैपेसिटी के पोर्सलिन के ब्राउन ग्लेजिंग के टंग और कैलविस टाइप डिस्क इंसुलेटर और एसोसिएट हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे डिस्क इंसुलेटर लाइन में टेंसाइल स्ट्रेंथ 45 किलो न्यूटन भी हो तो उसे विदस्टैंड कर सकते हैं। डिस्क की डायमीटर 255 mm और लेंथ 145 mm है और कंडक्टर और हार्डवेयर सपोर्ट के बीच में क्रीपेज डिस्टेंस काफी अच्छा 290 mm है। ऐसे डिस्क इंसुलेटर की वेट कंडीशन में फ्लैश ओवर वोल्टेज 40 kV है और पंक्चर विदस्टैंड वोल्टेज 105 kV है। जैसे हमने बताया पोल माउंटेड सबस्टेशन एक डेड एंड टर्मिनल पर आ गया है और एक तरफा लाइन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें 2 गाई सपोर्ट्स का इस्तेमाल दोनों पोल पे एक एक लाइन के ओपोजिट डायरेक्शंस में करना होगा और जो हाई टेंशन का जो स्टे गाई अरेंजमेंट है उसमें हम स्टे वायर को टर्न बकल के साथ यहाँ टर्न बकल को पोल क्लैंप के साथ अटैच कर देंगे और जो GI वायर है हमारा 3.15 mm डायमीटर के 7 स्ट्रैंड्स वो यहाँ एग इंसुलेटर में आ जाएगा और इसे हम थिम्बल लगाकर GI वायर को एग इंसुलेटर के साथ दोनों तरफ कनेक्ट कर देंगे। जो टर्न बकल है उसकी डायमीटर 16 mm और लेंथ 450 mm है और जो हमारा एग इंसुलेटर से GI वायर है वो एंकरिंग के लिए एक एंकर रोड से कनेक्ट होगा जो 16 mm डायमीटर और 1800 mm लेंथ की होगी, जिसे हम एक एंकर प्लेट जो माइल्ड स्टील की 200 या 300 mm बाई 300 mm और 6 mm थिकनेस की होगी, हम इन दिनों रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की 400 mm बाई 400 mm की एरिया की 75 mm थिकनेस की प्लेट्स का भी एंकर प्लेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से पोल माउंटेड सबस्टेशंस में H कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें जो स्ट्रक्चरल आइटम्स में पोल सपोर्ट के साथ एंगल और चैनल्स किन स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी की अलग अलग एप्लीकेशन के लिए चाहिए और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे क्या डिटेल्स रखते हैं क्या क्वांटिटी रखते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।